जी, तो पैरामिलिट्री फोर्स के लिए क्या क्या तकलीफ है, क्या परेशानियाँ आप बताएंगे उसके बाद? सर ऐसा है, पहले तो मैं आपको अपने पैरामिलिट्री के बारे में बता दूँ। हमारी तीन सेना है, एक आर्मी है, एक एयरफोर्स है, एक नेवी है। जी, जो तीनों फोर्स है इनको तो सरकार की तरफ से सारी फैसिलिटीज है, मगर जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें आती है CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, असम राइफल और CRPF, BSF, ITBP, SSB, असम राइफल हो गया, CISF हो गया और NSG कमांडो जो है वो भी आते हैं, बट कुछ उसमें आर्मी के होते हैं। ठीक है, तो सर ये जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, मैं उनके लिए मुद्दे उठाती हूँ। रीज़न, तीनों सरकारें, तीनों जो सेनाएं मैंने आपको गिनाया, उनको तो ऑल फैसिलिटीज है हमारी सरकार की तरफ से, मगर जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स को कोई भी सुविधा नहीं है। पैरामिलिट्री सिर्फ देश के जवान जो हैं बॉर्डर से लेकर के देश की अंदरूनी सुरक्षा करते हैं। बॉर्डर ले लो आप, जस्ट लाइक जो BSF बॉर्डर ले लो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो BSF है हमारी फोर्स, वो देखो बॉर्डर पे है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फोर्स कहा जाता है उनको, क्योंकि बॉर्डर की फर्स्ट लाइन पे वो रहते हैं। और SSB हमारी है भूटान नेपाल बॉर्डर पे, बांग्लादेश बॉर्डर पे। ठीक है, और हमारी CRPF छत्तीसगढ़ में है, CRPF वहाँ है, JNK में है, हमारी झारखंड के जंगलों में है, CISF हमारी ले लो, CRPF की कह रही हूँ छत्तीसगढ़ में, और जो CISF है हमारी वो मेट्रो एयरपोर्ट, जो हमारी इंडस्ट्री की जितनी भी सिक्योर प्रेस सिक्योरिटी है सारी। मगर आज हमारा मुद्दा ये है, जब हमारे जो जवान ITBP ले लो चाइना बॉर्डर पे 18,000 फीट पे रहते हैं काम, और सब हो गया। और दूसरा, ये जो हमारे जवान है, ये जवान हमारे रात दिन बॉर्डर से लेकर के देश के अंदरूनी सुरक्षा ले लो, इलेक्शन ले लो, दंगे होते हैं वहाँ पे, मगर आज मेरा मेन मुद्दा है, इनको फैसिलिटीज तो नहीं है। 2004 के बाद जितने भी जवान है उनकी सबकी पेंशन बंद कर दी सरकार ने, और करीबी BJP सरकार ने, जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने 2004 से जितने भी जवान है अभी तक के सबके सब जवानों की पेंशन बंद है, और इवन शहीद का दर्जा भी नहीं है। अगर एक आर्मी का जवान और एक पैरामिलिट्री का जवान एक साथ जॉब करते हैं, तो वहाँ पे अगर पैरामिलिट्री का जवान शहीद हो जाता है साथ में आर्मी का, तो आर्मी के जवान को पैसा भी मिलता है, आर्मी के जवान को शहीद का दर्जा भी मिलता है, मगर हमारी पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को ये शहीद का दर्जा, मेडिकल सुविधाएं, पेंशन कुछ नहीं है। मगर आज मेरा मुद्दा एक मेन है कि जो रिपब्लिक डे 26 जनवरी है, 26 जनवरी पे जो देश के जवान है, जब पैरामिलिट्री फोर्स हमारी सब जगह रक्षा करती है, तो आज हमारे दो फोर्स को हर एवरी ईयर, जब से जब BJP सरकार है तब से ही हो रहा है, दो हमारी फोर्स को हर बार आउट किया जाता है, हर बार इग्नोर किया जाता है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश के जवानों के साथ BSF और जे ITBP के साथ गुरेज में भी इन्होंने दिवाली मनाई थी, ये बड़े प्राउड की बात है। बहुत तक पैरामिलिट्री का नाम लेके आए जरूर थे, मगर इन्होंने पैरामिलिट्री के लिए आज तक कुछ नहीं किया, और मुझे दुख है, मुझे बहुत दिन से दुख है कि मेरे जो हमारे जो दो सैनिक जो फोर्स है हमारी BSF और SSB, इनको इन्होंने इग्नोर किया है, मुझे बहुत दुख है, और हमारे देश के जवानों को भी कहीं ना कहीं अंदर से रोष है, क्योंकि हर जवान पूरा साल वेट करता है 26 जनवरी कब आएगी और कब हम परेड में जाएंगे, मगर ये बहुत गलत हुआ है। ये जो सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो भी हमारे होम मिनिस्टर है, इन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया इनको, ये हमें बहुत दुख है। और कोई संस्था भी है आपकी जो पैरामिलिट्री फोर्स को हेल्प करती है? जी, हम लोग पैरामिलिट्री फोर्स की, हमारा जो मुहिम है, हमारी पैरामिलिट्री की संस्था है, और हम लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे रैलियाँ भी करते हैं, 13 दिसंबर को भी हमने धरना दिया था। हम लोग जो मुद्दे हैं पैरामिलिट्री के वो भी उठाते हैं, क्योंकि इन जवानों को देखो, जब भी शहीद होते हैं इनको पेंशन बंद है, इनको मेडिकल सुविधाएं नहीं है, इनके अलग से फैमिली का हॉस्पिटल नहीं है, इनको जो जैसे स्कूल कॉलेज का कोटा होता बच्चों का वो नहीं है, मतलब समझ लो जो सेना के काम बराबर है सेना का, मगर सुविधाओं के नाम पे जी कुछ नहीं है देश। ठीक है, तो ये हमारी सरकार से मांग है कि अगर आप सच में प्यार करते हो देश के जवानों से, तो उनको ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जब आज देखो, आज सबसे बड़ी गर्व की बात है, CRPF जिसके कौन है सुरक्षा कर रहे होम मिनिस्टर की, वो कर रहे हैं CRPF लगी है, तो जब वो देश के जवान आपको भी दिख रहे हैं।